हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 10th चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक. नेम ऑफ द चैप्टर इज आर्टिकल. आर्टिकल्स क्या होते हैं ये आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में इसको पढ़े होंगे. ए, एन और द, इनका जो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, ये आर्टिकल्स हैं. और ये किसी किसी जगह पर ही लगते हैं, हर जगह सारा कुछ नहीं लगता है, कहीं कहीं पर ही कुछ चीज़ें लगती हैं. ए और एन इज़ यूज टू टॉक अबाउट अ सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ए और एन कब यूज़ होता है, जब हम किसी एक पर्सन या एक प्लेस या एक एनिमल या थिंग की बात कर रहे हैं तो हम अ या एन, ए या एन यूज़ करते हैं. ये क्लियर हुआ आप लोगों को. अब ए इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. ए उन्हीं वर्ड्स के पहले लगता है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड करने वाले वर्ड्स होते हैं स्टार्टिंग में. जैसे कि आपके बुक में ये देखिए कुछ ड्राइंग्स दिए गए हैं जिसमें एक आदमी है, तो वो एक आदमी है इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे, अ मैन. क्या है वो, अ मैन. और मैन है क्योंकि वो एम है, तो एम हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है. और उसको प्रोनाउंसिएशन भी मतलब मैन यानी म से हो रहा है इसलिए उसके आगे क्या लगेगा, ए लगेगा. उसी तरह से हम देखेंगे तो एक गांव है, तो क्या लिखा है, अ विलेज, अ टाइगर एंड अ पेंसिल. अब बताएंगे आगे कि एन किसकी किसके आगे लगता है. एन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वोवेल साउंड. एन वो वर्ड्स के आगे लगता है जो शुरू में वोवेल की तरह साउंड करते हैं स्टार्ट पॉइंट पे. जैसे कि एलिफेंट है तो एन एलिफेंट. वोवेल्स क्या क्या है बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा, ए बी सी डी जो पूरा जेड तक है उसमें से ए ई आई ओ यू, ये पांच लेटर्स जो हैं ये वोवेल्स हैं. और इनके अलावा जो भी लेटर्स बचते हैं ए टू जेड में वो सब क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं. अब ई से एलिफेंट स्टार्ट है इसलिए उसके आगे एन लगेगा. उसी तरह से अम्ब्रेला यू से स्टार्ट है तो एन लगेगा. तो उसी तरह से एन एप्पल और एन ऑस्ट्रिच. अब इतना आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा तो उसके बेस पे ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है वो हम सॉल्व कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. आई एम गोइंग टू डैश कंसर्ट टुमारो. तो वो कंसर्ट में जाने की बातें चल रही हैं, तो कंसर्ट है तो सी से स्टार्ट है तो इसलिए उसके आगे क्या लगेगा बच्चों, ए लगेगा. सेकेंड है माई फ्रेंड इज़ डैश एक्टर. एक्टर है वो तो ए से स्टार्ट है तो ए हमारा क्या है, वोवेल है इसलिए उधर क्या लगेगा, ए एन एन. उसी तरह से हर कज़िन हैज़ डैश वेरी गुड जॉब, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. समझ में आ रहा है बच्चों, ए क्यों आएगा, क्योंकि वो वेरी है तो वेरी का फर्स्ट लेटर क्या है, वी से स्टार्ट है. तो इस तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं. द वर्ड द इज़ कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल. द भी हमारा क्या है, आर्टिकल है. इसे हम क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल. यू कैन यूज़ द बिफोर अ नाउन एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग और समवन डेफिनेट द पीपल नो विच थिंग और पर्सन यू मीन. डेफिनेट आर्टिकल मतलब वो वर्ड्स होते हैं जो डेफिनेट यानी जो एग्जैक्ट हमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है उसके बारे में बताते हैं, वो डेफिनेट आर्टिकल हो जाते हैं. तो डेफिनेट वर्ड हो जाते हैं तो उसके आगे हमारा डेफिनेट आर्टिकल लगेगा जो कि क्या है, द है. द उस नाउन के आगे लगता है जो कि हमें डेफिनेटली बताते हैं कि हाँ ये डेफिनेटली इसी इंसान की बात हो रही है. एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ताजमहल. ताजमहल एक मतलब पता है कि अगर हम ताजमहल की बात कर रहे हैं तो ताजमहल एक ही है इसलिए हम क्या करेंगे, उसके आगे द लगाएंगे, द ताजमहल. गंगा नदी एक ही है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, द गंगा. तो समझ में आया बच्चों. अब आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं. द आइस इज़ मेल्टिंग यानी जो बर्फ़ है पिघल रही है, तो ए आइस नहीं आएगा, एन आइस नहीं आएगा, वो क्या आएगा, द आइस इज़ मेल्टिंग. यानी कौन से आइस की बात हो रही है वो यहाँ पे क्लियर किया गया है. टॉम हैज़ वॉन द रेस. टॉम ने अपना रेस जीत लिया है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, द आएगा. द टेलीफोन इज रिंगिंग यानी किसी एक एग्जैक्ट टेलीफोन की बात हो रही है इसलिए वहाँ पे द लगा है. ये सारे एग्जांपल्स आप लोग देख लेना. इसके बाद यू ऑल्सो पुट द बिफोर अ काउंटेबल नाउन व्हेन देयर इज ओनली वन. हम काउंटेबल नाउन के आगे भी द लगा सकते हैं जब वो कि कोई एक ही चीज़ की बात हो रही है तब. जैसे कि द सन, तो सन एक ही है.
द मून, मून एक ही है, द स्काई, द फ्रंट डोर ऑफ माई हाउस, तो किसी भी घर का फ्रंट डोर यानी आगे का दरवाज़ा एक ही होता है। तो इस तरह से किसी एक चीज़ की बात हो रही है और वो भी डेफिनेट वर्ड है जो हमें एग्जैक्ट बता रहे कि किस चीज़ की बात हो रही है और एक ही चीज़ की, तो वहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा। प्रैक्टिस टाइम टू, यहाँ पे देखिए क्या है, हमें टिक करना है जो करेक्ट है उसके आगे, अ आइसक्रीम एन आइसक्रीम, आइसक्रीम है वो तो आई से स्टार्ट है इसलिए क्या लगेगा, एन लगेगा, अ शिप एन शिप तो क्या लगेगा, एन। उसी तरह से बाकी सब आप लोगों को एन शिप नहीं लगेगा, सॉरी ए शिप, अ शिप, क्योंकि वो एस से स्टार्ट है, एस क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन द एरर्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड री राइट देम। अब यहाँ पे जो हमें दिया गया है वर्ड, उसमें सेंटेंस दिया गया, उसमें आर्टिकल कहीं ना कहीं रॉन्ग है, तो उसे हमें क्या करना है, करेक्ट करके दोबारा लिखना है। ये वर्क आप लोगों का नोटबुक वर्क होगा। फर्स्ट सेंटेंस नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्या है, हैव यू रीड अ बाइबल, तो यहाँ पे अ बाइबल नहीं होगा, बाइबल एक ही तरह का बुक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, द बाइबल। तो हैव यू रीड द बाइबल, तो यहाँ पे एक ही जगह क्या आएगा बच्चों, द आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अ एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो फर्स्ट देखिए आप लोग क्या लिखा है, अ एप्पल, तो एप्पल कभी भी ए नहीं लगता है, एप्पल के आगे क्या लगता है, एन लगता है, तो एन एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इस तरह से आपको बाकी सेंटेंस के भी क्या करने हैं, मिस्टेक्स फाइंड आउट करने हैं। माई बेस्ट फ्रेंड गिफ्टेड मी एन न्यू वॉच, न्यू वॉच के आगे एन नहीं लगेगा, वहाँ क्या लगेगा, ए लगेगा। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे एक नया वॉच दिया, और जैसा कि आगे हमने पढ़ा कि किसी एक चीज़ की बात हो रही है तो वहीं पे हमारा ए या एन लगेगा। इट इज़ रेनिंग हैविली बट आई कैन सी अ मून, यहाँ मून अ नहीं आएगा, क्या आएगा, द मून, क्या आएगा बच्चों, द मून। इट इज़ रेनिंग हैविली बट आई कैन सी द मून, आया समझ में? नेक्स्ट है, अभी इज़ एन स्मार्ट बॉय, इशू इज़ अ इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पे एन स्मार्ट बॉय नहीं होगा, अ स्मार्ट बॉय, इशू इज़ यहाँ पे आ जाएगा एन, एन इंटेलिजेंट गर्ल। ये भी क्लियर हुआ आप लोगों को? नेक्स्ट है, आंट मारिया कीप्स अ एप्पल इन एन फ्रिज, अगेन यहाँ पे दो मिस्टेक है, आप लोगों को पता चला कहाँ है, आंट मारिया कैप्ट अ एप्पल नहीं होगा, एन एप्पल होगा, इन एन फ्रिज मतलब एन फ्रिज नहीं होगा, वो द फ्रिज होगा, इन द फ्रिज, ऐसा समझ में बच्चों। अ स्काई इज अ क्लियर एंड अ स्टार्स कैन बी सीन शाइनिंग ब्राइटली, अगेन यहाँ पे आप लोगों को पता चला होगा कि ए स्काई नहीं आएगा, क्या आएगा, द स्काई इज अ क्लियर एंड द स्टार्स कैन बी सीन शाइनिंग ब्राइटली, अगेन यहाँ पे क्या है, द स्काई और द स्टार्स। I ate an chocolate ice cream yesterday. Did you eat a ice cream too? Again यहाँ पे two mistakes हैं, chocolate के आगे n नहीं आएगा, I ate a chocolate ice cream yesterday, और next sentence है did you eat a ice cream too? अगेन वही वर्ड है, आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम के आगे क्या लगेगा, आप लोगों को बताया है मैंने, आइसक्रीम के आगे लगेगा n. Did you eat an ice cream too? समझ में आया बच्चों? शी विल ट्रैवल अराउंड अ वर्ल्ड, यहाँ क्या मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा शी विल ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, क्या आ जाएगा बच्चों, द वर्ल्ड, ये क्या है, द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया एक ही है और एग्जैक्ट हमें पता है कि वो इसी वर्ल्ड की बात कर रही है। नेक्स्ट है, द बोट सेल्ड डाउन अ गंगा एंड द यमुना, द बोट सेल्ड डाउन, मैं पहले ही एग्जाम्पल दी थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था ताजमहल का और गंगा का, तो गंगा के आगे कभी भी ए नहीं आएगा, गंगा नदी की बात हो रही है अगर तो गंगा के आगे हमेशा क्या आएगा, द, द बोट सेल्ड डाउन द गंगा एंड द यमुना, यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें कि हमें सूटेबल आर्टिकल्स फिल करने हैं, तो ये आप पढ़ोगे और इसमें हर सेंटेंस में किसके आगे क्या आएगा वो आप लोगों को लगाना है।
ड्यूरिंग द दशहरा वैकेशन केशव एंड हिज फैमिली प्लान्ड डैश वीक्स होलीडे, यानी अ वीक्स होलीडे टू श्रीलंका. इट वॉज डैश फर्स्ट टाइम. अगेन यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, काउंटिंग की बात हो रही है, और काउंटिंग में भी वो वन ही है, तो इसलिए क्योंकि वो काउंटिंग में वन ही है तो वहाँ हमें क्या लगाना है, काउंटेबल के आगे हमेशा द लगता है, तो क्या आएगा, इट वॉज द फर्स्ट टाइम वैन केशव वुड फ्लाई इन डैश एरोप्लेन, इन एन एरोप्लेन, क्या आएगा, एन एरोप्लेन. तो इस तरह से आप लोगों को ये पूरे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं. फन जोन में देखते हैं. ड्रॉप द चेरीज इन द करेक्ट बास्केट्स बाय राइटिंग देयर नेम्स इन देम. चलिए चेरीज में अब ये क्या क्या है, बॉक्स है, सन है, कैट है, आंट है, एग है और मून है. अब ए है तो ए के आगे क्या क्या आएगा, बॉक्स आएगा. यस, ए के आगे बॉक्स आएगा. तो ए वाले बास्केट में कौन सा चेरी जाएगा, बॉक्स जाएगा. सन जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि सन के आगे क्या लगता है, द लगता है. उसी तरह से कैट, कैट आएगा. यस, कैट वाला चेरी ए वाले बास्केट में जाएगा. आंट आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो आंट किससे स्टार्ट है, वॉवेल से स्टार्ट है. उसके अलावा क्या है, एग, एग क्या है, एग भी वॉवेल से स्टार्ट है. और बच्चा मून, तो मून के आगे क्या आएगा, द आएगा. नेक्स्ट है एन वाला बास्केट. एन वाले बास्केट में हमने ऑलरेडी डिसाइड की है, एन वाले बास्केट में क्या आएगा, आंट और एग दोनों, क्योंकि वॉवेल से स्टार्ट है. और बच्चा द वाला बास्केट, तो द वाले बास्केट में कौन कौन जाएगा, कौन सा चेरी, सन और मून. तो यहाँ तक ये चैप्टर समझ में आया बच्चों आप लोगों को. एक बार वापस से शॉर्ट में देख लेते हैं. हम आज चैप्टर पढ़े हैं आर्टिकल, जिसमें ए, एन और द की बात हो रही है, जिसमें हमें बताया गया कि ए कब यूज़ होता है, ए जब कॉन्सोनेंट साउंड करने वाला वर्ड हो उसके आगे ए लगता है, और उसके अलावा जब किसी एक चीज़ की बात हो रही होती है, एक चीज़, पर्सन, प्लेस, एनिमल, तो उसके आगे ए या एन लगता है, जिसके एग्जाम्पल्स हमने ये ड्राइंग के साथ पढ़े. फिर फिल इन द ब्लैंक्स किया हमने, बाकी मैंने आप लोगों को दिया है, खुद से करिएगा ट्राई. उसके बाद आते हैं द पे. द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, और वो कब लगता है, जब हमें एग्जैक्ट डेफिनेट किसी एक चीज़ की बात हो रही होती है उसके आगे क्या लगता है, द लगता है. और उसके अलावा यहाँ पे द के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, सन, मून, स्काई, तो ये सब क्या है, ये इनके आगे क्या लगेगा, द लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि हम कौन से सन, कौन से मून और किस स्काई की बात कर रहे हैं. फिर हम टिक द करेक्ट ऑप्शन किए. उसके बाद एरर्स फाइंड आउट किए, जो कि मैंने आप लोगों को पूरा बताई 10th तक. इसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें आपको सूटेबल आर्टिकल फिल करना है. और ये फन जोन हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमें ए, एन और द के बास्केट में कौन सा चेरी जाएगा वो डाला है हमने. तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया बच्चों, ए, एन और द आप लोगों को क्लियर हुआ. थैंक यू.